और एस एम अशरफ पीएसपीएल से हैं और वीरेन सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। चार्जशीट दाखिल हो गई है, पहला पड़ाव पूरा कर लिया है आप लोगों ने अपनी लड़ाई का, अब एक ट्रायल शुरू होगा। चार्जशीट में क्या बातें कही गई हैं, एक तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। दूसरा, यह एस्टैब्लिश कर दिया है सीबीआई ने अपनी जांच में, अपनी विवेचना में, कि गैंगरेप हुआ है और मर्डर हुआ है, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट जो भी है इस केस का, कि क्योंकि ये परिवार जो है हाथरस में अभी भी सुरक्षित नहीं है, हम एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन मूव करेंगे कि इस केस का जो ट्रायल है वो हाथरस लोकल की जगह दिल्ली में किया जाए। लेकिन सवाल अभी भी ये बने हुए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने किया, जिसके वजह से परिवार का हरासमेंट किया गया, वहाँ पर माहौल खराब किया गया, और वो जो माहौल खराब किया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है डीएम ने, कि दंगों जैसी स्थिति थी, फंडिंग हो रही थी, इन सब के लिए एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल थे वो थे वहाँ की पुलिस और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर पुलिस फर्स्ट डे जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन ही उस बेटी के स्टेटमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज करता तो प्रॉपर मेडिकल होता, और रेप में जो कि सीमन की बात की एडीजे उत्तर प्रदेश ने वो भी मिलता और रेप की पुष्टि उसी दिन हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, फैक्ट को टेम्पर किया गया, मैनुपुलेट किया गया। तो इसके लिए लोकल पुलिस जो रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने जो क्राइम किया तो 201 आईपीसी में इनको एक्यूज इस चार्जशीट में क्यों नहीं बनाया गया। दूसरा, डीएम ने जो रात में क्रिमेशन किया, जिसको ये बता रहे हैं कि हमने जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसके तहत किया, तो लास्ट उनके जो रिचुअल्स हैं वो ये हैं कि अविवाहित बेटी को जलाया नहीं, दफनाया जाता। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं, क्योंकि उस बेटी को रात में इन्होंने केरोसिन डाल के जलाया, इनको क्यों नहीं उसमें एक्यूज बनाया गया। एडीजे उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये स्टेटमेंट है कि रेप नहीं किया गया क्योंकि सीमन नहीं पाया गया, तो उन्होंने रेप की सेक्शन ही नहीं पढ़ा था। तो इस तरीके का जो इंसान रिस्पॉन्सिबल पद पर है और ये स्टेटमेंट दे रहा है, और उस स्टेटमेंट के वजह से वहां माहौल खराब हो रहा। सीमा जी, क्या हम ये प्रारंभिक तौर पर मान सकते हैं कि ये पहला पड़ाव है, पहली जीत है इंसाफ की, चार्जशीट दाखिल होना? बिल्कुल हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस परिवार को फंसाने की कोशिश की गई थी वो चीजें एटलीस्ट आज ऐसी हुई हैं कि क्लियर हो गया पूरे देश के सामने कि इस बेटी को किसने मारा था और उसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी। सारी चीजें क्लियर सामने आ गई। बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो कि किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, किसी भी पर्सन का, डिसीज पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसको बेस बना करके इन चारों को एक्यूज बनाया गया। तो प्राइमरी लेवल पे मैं कहूंगी कि मैं सम्मान करती हूँ माननीय सीबीआई का कि उन्होंने इस तरीके से जो चार्जशीट फाइल। अभी मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो भी चार्जशीट दाखिल हुई उसमें किसी अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल क्लियर नहीं है, एसपी का रोल क्लियर नहीं है, एडीजीएलओ का रोल क्लियर नहीं है, ऊपर के उच्च पदस्थ अधिकारी जो लखनऊ से निर्देश दे रहे थे इनका रोल क्लियर नहीं है, अब आप क्या करेंगे अगली सुनवाई में? जी देखिए, अगली सुनवाई हम एक ट्रांसफर पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाने वाले हैं, जिसमें हम ये भी डिमांड करेंगे कि अभी ये इस चार्जशीट को मैं एक कंप्लीट चार्जशीट नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो एक्यूज जिनको बनाया गया है इस चार्जशीट में, उनके अलावा इसमें और भी लोग एक्यूज हैं, जिसमें सरकार के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, और जिन्होंने लखनऊ से लॉ एंड ऑर्डर, जो एडीजे उत्तर प्रदेश, इन सब की नेग्लिजेंसी के वजह से इन सब ने ये क्राइम किया है, तो इनको क्यों नहीं इसमें एक्यूज बनाया गया। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हम ट्रांसफर पिटीशन फाइल करेंगे उसमें इन बातों को भी उठाएंगे। और उसके अलावा एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूं कि अभी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे एसपी हाथरस, डीएम हाथरस को भी तलब किया गया है, बुलाया गया है, वो भी प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा जो अब तो सिचुएशन बदल गई है, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई है, फाइल किया है, तो 27th को जो सुनवाई होगी, तो अभी
अभी देखिए एक्यूज्ड के अंगेंस्ट, एक्यूज ने जो क्राइम किया उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन जो रात में क्रिमेशन किया गया और इनकी जो नेग्लिजेंसी थी हाँ। उसके लिए अभी माननीय, मैं कहूंगा ये सबूत मिटाने की कोशिश है, अभी भी सुनवाई कर रही है, जिसमें जी देखिए माननीय उच्च न्यायालय अभी भी सुनवाई कर रहा है और उसमें फाइनल आर्गुमेंट्स बचे हैं, जिसमें एफिडेविट जो पीड़ित परिवार की तरफ से मैंने फाइल किया है उसमें ये डिमांड की गई है कि डीएम हाथरस जिन्होंने ये क्राइम किया है, परिवार को डराया धमकाया है, जिसके बहुत सारे वीडियोज हमारे पास हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी भी, आप देखिए ऑर्डर आ चुका है कि एसआईटी जो गठित की गई थी उसका 7 डेज में रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट पीड़ित परिवार के तरफ से दिया गया था उसमें कहा गया था कि डीएम और उनके समकक्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ये नेग्लिजेंसी दिखाई, इन्होंने पीड़िता को जलाया जो भी डिसीज पर्सन थी। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि कोई कंप्लेन नहीं है परिवार की तरफ से, तो देखिए जब कंप्लेन जहां पर दी थी एसआईटी को, वो रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट छुपा करके बैठी हुई थी, तो कहां से ये चीजें सामने आ पाएंगी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर फटकार लगाई है और एसआईटी की जो रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होगी, आपको चार्जशीट मिल गई, चार्जशीट की कॉपी मिली आपको? देखिए जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो भी लॉ का प्रोसीजर है, उसमें विक्टिम को चार्जशीट नहीं दी जाती है, लेकिन फ्रंट पेज मेरे पास है प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सर्टिफाइड कॉपी, हम चार्जशीट की विद इन 2 or 3 डेज कोर्ट से निकलवा लेंगे हमारे पास जब वो चार्जशीट आ जाएगी। लेकिन मेन जो चीज है फ्रंट पेज, जिसमें कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, किसको अक्यूज बनाया गया है, ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं जी, उन्हीं के जी ऑलराइट मेरे साथ उनको ही आधार बना करके मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऑलराइट, फार्मर डीजीपी एके जैन मेरे साथ मौजूद हैं। जैन साहब पहले भी मेरे साथ कई ऐसी डिबेट्स में शामिल हुए थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था। जैन साहब, एक तो पहली चीज तो ये कि अगर दबाव ना हो, राजनीतिक दबाव ना हो, और अगर जांच एजेंसियों को अपना काम ठीक से